गोलोकवासी पूज्यपाद स्वामी श्री पूर्णानंद जी, पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज एक बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक बार आप हमारे करबंद प्रार्थना पर पिलखुवासित हमारे निवास स्थान पर पधारे थे। आपने अपनी आंखों देखी और अपने जीवन की घटी पूर्व जन्म के एक महान योगी और नेत्र प्रति माप माप चिल्ला कर संतों की पुरिया खिलाने वाले और उनकी सेवा करने वाले विलक्षण संत से भी भक्त बालक की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना हमें सुनाई है। कुछ ही बात श्री उड़िया जी उड़िया बाबा जी ने घटना का विवरण बताते हुए कहा है कि मैं किसी भी सवारी में कभी भी नहीं बैठता, अतः जहां पर मुझे आना जाना होता है पैदल ही चला आता था। यह मेरा एक नियम था। मैं अपने पैदल चलने के नियम के अनुसार एक बार उड़ीसा में विश्राम करता हुआ पैदल ही एक जगह पर जा रहा था। रास्ते में एक ग्राम पड़ा। जब मैं उस ग्राम में घुसा तो एक गृहस्थ ब्राह्मण के मकान के सामने से होकर आगे की ओर बैठ रहा था। तभी मुझे काशाय वस्त्र पहने देखकर एक दूधमुहा बहुत छोटा सा सुंदर बालक अचानक से उस मकान से निकला और झट से मेरी ओर बड़ी तेजी से दौड़ा और पीछे से आकर उसने मेरी चादर अपने दोनों हाथों से पकड़ ली। मैं बड़ी मस्ती के साथ चला आ रहा था। एकाधर चादर पकड़े जाने के अप्रत्याशित रूप से झटका लगा और मैं खड़ा हो गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर छोटा सा बालक मेरी चादर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से पकड़े हुए और अपने मुंह से दबाए हुए है। मैंने अपनी चादर उस बालक से छुड़ाने का भरबस प्रयास किया प्रयत्न किया परंतु वह बालक भला छोड़ने वाला कहाँ था। उसने छोड़ने के बदले उल्टे और बड़े जोरों से चादर को पकड़ लिया, मुझे आगे बढ़ने से रोक लिया। मुझे उस बालक का वह हट देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह बालक न तो मेरे पूर्व परिचित था न तो नहीं मुझे जानता था, फिर भी वो मेरी चादर इस प्रकार पकड़ करके क्यों खींच रहा था या मुझे क्यों नहीं सोच छोड़ रहा था। मैं इस अद्भुत रहस्य को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। अब मैंने उस विलक्षण बालक से कहा कि अरे बेटा छोड़ो ना मेरे इस चादर को। बालक ने मुझे अपनी उंगली के संकेत से अपने घर चलने के लिए कहा। तोती वाणी में बोला, बाप माप माप माप। मैं उस अद्भुत बालक को इस प्रकार माप माप करके हुए देखे रहस्य करने लगा और उसके आशय को नहीं समझा सका। मैं लाचार होकर अपने उनके साथ चल दिया। वह आगे आगे मेरी चादर पकड़कर चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जो वह अपने साथ मुझे लेकर घर के अंदर घुसा तो घर में घुसते ही बड़े जोरों से माप माप चिल्लाने लगा। घर में उसके माता पिता जब बच्चे के मुख से तोतली बोली माप माप का शब्द बड़े प्रश्न मुझसे गए, वे प्रश्न वे समझ गए। कि वह गेरुआ वस्त्र वाला किसी साधु महात्मा को पकड़ लाया है, इसी कारण प्रसन्न होकर माप माप चिल्ला रहा है। जब उन्होंने मुझे देखा तब बड़ी प्रसन्नता से प्रेम से प्रणाम किया और आसन बिछा कर बैठाया। मैंने उसके माता पिता से पूछा कि यह बालक आपका है? बालक के पिता ने कहा, जी हाँ महाराज यह हमारा ही बालक है। मैंने फिर पूछा, यह मुझे यहाँ से क्यों पकड़ कर लाया है? उसने कहा, महाराज आप गेरुए कपड़े से जो पहने हैं इसलिए वो आपको पकड़ कर लेके आया है। गेरुआ कपड़ा पहनने से इसका क्या मतलब है? मैंने कुछ कौतूहल से उसकी ओर देखते हुए पूछा, महाराज जी यह जिसे भी गेरुआ कपड़ा पहन कर देखता है बस उसे पकड़ कर ले आता है। बालक के पिता ने बड़ी सरलता से कहा। मैंने रहस्य के उद्घाटन की दृष्टि से पूछा, चाहे गेरुआ कपड़ा पहनने वाला कोई भी हो? उसने कहा, महाराज ये बालक आपको ही नहीं जो भी इस रास्ते में गेरुआ कपड़ा पहने हुए साधु संत महात्मा आता है बस ये पकड़कर अपने साथ ले आता है। किसी गृहस्थी सांसारिक मनुष्य से तो ये बालक कभी बातें भी नहीं करता, हाँ साधु संतों को देखते ही प्रसन्न हो जाता है तब उसके पीछे दौड़ने लगता है। जब तक उन्हें पकड़कर अपने साथ घर पर नहीं ले आता तब तक उसे चैन ही नहीं पड़ता। यदि कभी उसके सामने से कोई साधु महात्मा चला आता है तो उसकी पकड़
पकड़ में नहीं आता। इस समय उसे एक प्रकार से बड़ा दुख होता है कि उस समय उसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो उसके शरीर से प्राण ही निकल रहे हो। एक क्षण रुककर मैंने पूछा, ऐसा क्यों करता है? उस लड़के के पिता ने बड़े भोलापन से कहा कि महाराज, हम तो एक साधारण गृहस्थ सांसारिक आदमी है, हम भला इस बात को क्या समझ सकते हैं? क्या इसे किसी ने ऐसा करते हुए करना सिखाया है? नहीं महाराज, हम भला क्यों सिखाते? यह सबसे कब से ऐसा करता है महाराज? यह तो जन्म से ही ऐसा करता है, उसे किसी ने नहीं सिखाया है। उसने जब से चलना बोलना सीख लिया तो उससे गेरुआ वस्त्र पहनने वाले साधु महात्माओं के पीछे पीछे दौड़ता, उन्हें पकड़कर अपने साथ लाता और उनकी सेवा करता। उसके बाद ही उसकी आंखों उसके यहाँ से आगे जाने देता। परंतु मुझे तो शीघ्र ही आगे जाना है महाराज, चले जाइए। पर अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? बाबा जी बोले, अब यह आपको अब जाने थोड़े ही देगा, अब यह आपकी सेवा करेगा, माप माप कर वाला कार्य करेगा। मैंने बड़ी उत्सुकता से बोला, माप माप क्या है? माप माप वाला कार्य क्या करेगा? बालक ने पिताजी से कहा, यह बालक जिस किसी भी साधु को साधु को देखता है उसे पकड़ कर लाता है और अपनी माँ से माप माप कहता है। छोटा बच्चा होने के कारण पूरा सब तो वह बोल बोल नहीं पाता, इसलिए वह माप माप कहता है। उसका मतलब यह है कि माँ जल्दी से पूरी बना, इस बाबा को खिला। माप माप का मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि माँ जल्दी से पूरी बनाओ, उस बाबा को खिला। तो ये बालक हमें भी अभी आगे नहीं जाने देगा, पहले यह आपको माप माप वाली बात पूरी कर लेगा, तब आपको आगे जाने देगा। इसलिए महाराज, जब आप हमारे इस बालक की पकड़ में आ ही गए हो तो शांतिपूर्वक इस आसन पर बैठ जाइए। अभी इसकी माँ स्नान करके पूरियां बनाएगी और उससे तृप्त होकर यहां से चले जाइएगा। जब तक उसकी माँ बनाई पूरियां नहीं खा लेंगे, तब तक बालक आपको जाने नहीं देगा। इस विलक्षण संत सेवी बालक के अद्भुत क्रियाकलापों को गाथा उसके पिता से सुनकर मैं भाव विभोर हो गया। सोचने लगा, अच्छा, इस बालक की जैसी इच्छा होगी हम वैसा ही करेंगे। मैं उनके दिए हुए आसन पर बैठ गया और बालक भी मेरे पास ही बैठ गया। उसकी माँ ने जल्दी जल्दी स्नान किया, बड़ी पवित्रता के साथ प्रेम पूर्वक गरम गरम पूरियां बनाई, तत्पश्चात भगवान को भोग लगाया और मुझे खिलाया। जब मैं खा पी चुका था तो बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने भी जो भी कुछ जो मुझे अपनी पकड़ में ले रखा था उसका वह हाथ ढीला कर दिया, कारण कि उसका असली कार्य साधु सेवा करना पूरा हो चुका था। अब जो ही मैं आगे जाने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही उस बालक ने संकेत से कहा, बाबा अब जाओ। मैंने चलते समय माता पिता से कहा, ये तुम्हारा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, महान विलक्षण बालक है। तुम्हारा कोई महान पुण्योदय हुआ है, उससे तुम्हें इस जीवन में ऐसे अद्भुत विलक्षण बालक प्राप्त हुए। यह बालक किसी पुनर्जन्म का महान योगी है, इसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो और इसकी साधु संतों की सेवा किसी भी प्रकार की भी विघ्न बाधा ना पड़े। तुम लोग इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, बालक किसी पूर्वजन्म का महान योगी है, इससे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इसकी साधु संतों की सेवा में किसी प्रकार की भी विघ्न बाधा ना पड़े। तुम लोग इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। मैंने पूर्व साधु संतों की सेवा करने वाले उस प्रकार के विलक्षण बालक को देखा, आश्चर्यचकित हो दांतों तले उंगली दबा दी। इस सत्य घटना से यह सिद्ध होता है कि इस धर्म प्राण भारत देश में ऐसे ऐसे अद्भुत विलक्षण बालक अब भी जन्म लेते हैं। वास्तव में यह भारत भूमि अत्यंत अद्भुत दिव्य भूमि और देव भूमि है, भगवान की अवतार स्थल ही है। इसलिए भारत में तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा बालकों का जन्म होता है, जन्म लेना ही सार्थक है। ऐसे ही बालक के जन्म से भारत भूमि कृतिकृत्य है होती है और ये हमारे राष्ट्र का गौरव है।